आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्नैक पोटैटो डाइस, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी है। इसके साउंड से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे, और जब राई पॉप होने लगे तो हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब इन सब चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन सब चीजों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, वरना इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और जब ये सब चीजें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, और जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। और सूजी को हमें इसी तरह चलाते हुए डालना है, वरना हमारी सूजी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी और इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो हमारा डो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह से हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है 1 से 2 मिनट तक, और ये हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर हम इस डो को एक प्लेट में बाउल में निकाल कर रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अभी डो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे, जिसे मैंने क्रश कर लिया था अच्छे से। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू, सूजी और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। तो हमें इसे इसी तरह 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू इसे ऐसे ही मैश करना है। आलू और सूजी अच्छे से मिक्स होने चाहिए, तभी हमारा ये डो सॉफ्ट होगा। और जब आपके हाथों पर ये डो चिपकने लगे तो आप हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, तो ये डो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और हाथों के चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है क्योंकि मेरे हाथ पर ये चिपकने लगा था। तो अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये डो बनकर तैयार है और ये काफी सॉफ्ट है। तो अब हम एक प्लास्टिक लेंगे और इसके ऊपर ये डो रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। और अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे, हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। हम इसकी साइज को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप इसकी साइड को कट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड को कट कर रही हूँ, इससे ये क्यूब्स की शेप अच्छी आएगी। तो ये मैंने साइड से इसकी निकाल दी हैं, और अब हम इसके क्यूब्स कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम सभी क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये भी रेडी है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसमें ये क्यूब्स डाल रही हूँ।
इन क्यूब्स को डालने के बाद हमें तुरंत इसे चलाना नहीं है, वरना ये घुल जाएंगे और अच्छे से नहीं फ्राई होंगे। तो हम इसे थोड़ी देर बाद चलाएंगे। तो ये देखिए, अब 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा हिला दिया है और अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो ये देखिए, काफी अच्छे से इसका कलर आ चुका है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए और फ्राई होने देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। इस स्टेज पर आप इसे बाहर निकाल कर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसे फ्रीजर से निकालिए और फिर से फ्राई कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये हमारे पोटैटो डाइस बनकर तैयार है। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।